धमतरी जिले के भकरा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में पुलिस ने फरार चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं घटना में प्रयुक्त एक कार भी पुलिस ने जब्त की है। बताया जा रहा है कि गांव की नाबालिग लड़की को मार्च में ही कुछ युवकों ने अपहरण कर लिया था। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर नाबालिग और आरोपी की तलाश कर रही थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर नाबालिग लड़की को रायगढ़ जिले के सिरतरा से बरामद किया गया। साथ ही मुख्य आरोपी अमन देशमुख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, लेकिन अपहरण में शामिल चार आरोपी फरार थे, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। पूर्व में 363 का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें नाबालिग का अपहरण किया गया था। मूल आरोपी को पूर्व में गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेजा जा चुका है। अन्य सहयोगी आरोपी जो अभियुक्त को भगाने में ले जाने में सहयोग किए थे, मुख्य चार आरोपी और हैं जो आशीष देशमुख है, पवन कुमार साहू, अनिल साहू और राजेंद्र कुमार साहू, तो आज गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में पेश कर उनको रिमांड दिया जा रहा है।